नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मेहता एक बार फिर अपने चैनल ट्रैवल तड़का में आपका स्वागत करता हूं। आज उदय और मैं दोनों एक आउटलेट पे आए जिसका नाम है ब्रेड बर्न एंड कंपनी। पहले मैं आपको इस आउटलेट की लोकेशन बता दूं। मैं इस समय रोहिणी के अंदर काफ़ी फेमस स्कूल है माउंट आबू पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूँ। माउंट आबू पब्लिक स्कूल के बिल्कुल अपोजिट ये शॉप है। उदय भाई जरा शॉप दिखाओ। और मेरे साथ इस शॉप के ऑनर है मिस्टर कुणाल से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस शॉप में जो आप चीज़ें लाए हैं लोगों को खिलाने के लिए, जिसके बारे में हमें बताएंगे कि रोहिणी के सभी यंगस्टर और बाकी जनरेशन के लोग इस शॉप में आए। वैसे आपको बता दूं कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि इनके पास में कुल्हड़ के अंदर चाय हमें देखने के लिए मिली, उसको देखते हुए हमने सोचा कि इनकी शॉप के अंदर आके ट्राई किया जाए। और इन्होंने एक आइटम और हमें बताई, कुल्हड़ के अंदर पिज़्ज़ा। तो फिलहाल मैं उदय को बोलता हूँ कि ज़रा शॉप के अंदर लेके चले और कुणाल से बात। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मेहता अब मिस्टर कुणाल सिंह के साथ बैठा हूँ। इनकी आउटलेट पे हम आए थे और ये माउंट आबू स्कूल के बिल्कुल अपोजिट। इन्होंने कुछ अपनी स्पेशलिटी बताई, जैसे कुल्हड़ के अंदर पिज़्ज़ा, यही आइटम आपने बताई थी, और एक कुल्हड़ वाली चाय। पहले मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन लूँगा और उसके बाद में इन्हीं से पूछूँगा कि ऐसी क्या खास बात है आपकी शॉप में जो रोहिणी की सारे यंगस्टर और सारी गैंग जितनी भी खाने के शौकीन है वो आपकी दुकान पे है। ठीक है, तो कुणाल सिंह से बात करते हैं। कुणाल, पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए कि आपने इस फील्ड के अंदर आने की सोची क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपकी एज के ज़्यादातर लोग हमने देखे नहीं है जो बड़ी जल्दी आउटलेट संभाल रहे हैं। तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई नेम इज़ कुणाल सिंह। ओके, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम AHCM, जस्ट हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करनी नहीं थी, कुछ अपना करना था और ग्रेजुएशन भी HM में करी। तो खाने का ही क्यों सोचा? ग्रेजुएशन HM में करी थी मैंने। ओके ओके, तो देन फिर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लगी कि अपना एक आउटलेट खोलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आई, आप रहते हो उत्तम नगर में, आपने आउटलेट रोहिणी में खोली, तो ऐसा रोहिणी में आपको क्या समझ में आया या फ्रेंड सर्कल था? एक्चुअली थोड़ा फ्रेंड सर्कल भी था और थोड़ा उत्तम नगर से थोड़ा दूर भी था। उत्तम नगर में क्योंकि ऑलरेडी एक थोड़ा वेल स्टैब्लिश मार्केट है और अभी हम इतने मतलब एक्सपीरियंस नहीं है मैं इतना मार्केट का, जस्ट एक स्टार्टअप है तो एक थोड़ा डिफरेंट प्लेस पे। चलो सारी बात छोड़ के मुझे आप ये बताओ, आपने अपनी इस शॉप का नाम BBC क्यों रखा? ये तो एक न्यूज़ चैनल भी है, ये तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा कि BBC क्यों रखा। बेसिकली मेरी मैं इससे पहले फूड ब्लॉगिंग करता था। ओके, तो फूड ब्लॉगिंग का जो अकाउंट था मेरा, जब मैं फूड ब्लॉगिंग करता था तो मैं एक ब्रेड बर्न के नाम से करता था। ब्रेड बर्न, या तो मैं फूड ब्लॉगिंग ब्रेड बर्न के नाम से करता था। देन फिर मैंने आउटलेट की सोचा तो मैंने उसी को ही एक लेवल अप ले जाने के लिए सोचा था, उसको मैंने फिर ब्रेड बर्न एंड कंपनी कर दिया। ओके, अब मुझे ये बताइए कि हम पब्लिक को ऐसा क्या बताएं कि आप के यहीं पे लोग आए, क्योंकि अभी आपकी न्यूली ओपन है शॉप, तो ऐसी क्या खास बात है कि मतलब आप लोगों को क्या बताने चाहोगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए? कुछ नया एज अ यंगस्टर मेरे को ना ये चीज़ लगती है मार्केट में कि या तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उन्हें क्वालिटी मिलेगी, या फिर प्राइस एकदम लो होगा ना तो उन्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी, मुझे ऐसे जैसे लगता है। अब आपने ये कुल्हड़ रखा हुआ था, पहले तो लोगों को ये बता दो कि कुल्हड़ की क्या खास बात है, क्योंकि आपने शॉप में काफ़ी चारों तरफ सजा रखे हैं। उदय को कहूँगा जरा कुल्हड़ दिखा दें चारों तरफ। ठीक है उदय, अब कुणाल से बात करते हैं। कुल्हड़ की क्या खास बात है, बड़े वाले और छोटे वाले की? छोटे की तो उदय मुझे समझ में आ गई कि कुणाल ने अभी मुझे टी भी सर्व करी, आगे की वीडियो में आपको टी मिल जाएगी और टी का स्वाद मैंने देख लिया एकदम एक्सीलेंट है। इस बड़े वाले कुल्हड़ की क्या खास बात है? इस बड़े वाले कुल्हड़ में हम एक्चुअली अपने पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, कुल्हड़ पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। ये पॉपुलर है रोहिणी के अंदर, सब जगह मिलता है या कुछ डिफरेंट आइटम है? आई थिंक कुछ आउटलेट्स होंगे शायद होंगे जहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कुल्हड़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। Okay. बट अभी बहुत लोग सर्विसें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हमारी एक ये स्पेशलिटी है हम यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं उसमें एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आप हमारे ब्रांड के नेम के नीचे हमारी टैगलाइन भी देखोगे तो हम उसमें लिख रखा है हमने कि वी बिलीव्स इन क्वालिटी। टैगलाइन
एक बार ही रिपीट कर लेते हैं टैगलाइन कुणाल। वी बिलीव्स इन क्वालिटी। कुल्लड़ पिज्ज़ा का प्राइस बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कुल्लड़ पिज्ज़ा का प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में ये रहा कुल्लड़। इसका पिज्ज़ा तो जब आप आएंगे और खा के ही पता चलेगा। हम खा के देख चुके हैं, एक्सीलेंट था। चाय हमने पी के देख लिया, सभी चीज़ें खा के नहीं आपको बता सकते। मेन्यू की डिटेल कुणाल एक बार आपको फिर बताएगा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कुणाल एक बारी व्यूवर्स को ये बता दीजिए आप क्या क्या चीज़ें अपनी शॉप में दे रहे हैं। हम बेसिकली शेक्स, मॉकटेल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सैंडविच, ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जो शेक्स के अंदर जो हमारे अंदर स्पेशलिटी ज़्यादा है थोड़ी, शेक्स और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमारे हैंड नीडेड डो के रहते हैं। और ये आपकी शॉप स्विगी और जोमेटो पे अवेलेबल है? यस। उदय ये वाली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मोस्टली शॉप में हम ये चीज़ भी डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं कि इनकी शॉप अभी स्टार्टिंग में है, लेकिन स्विगी और जोमेटो के ऊपर अवेलेबल है। और कितने बजे ओपन होती है ये बता दीजिए। तो मॉर्निंग 11 टू नाइट 11। ठीक है, 11 टू 11 है। तो नेक्स्ट टाइम हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इनके पास में और इनकी हर आइटम देखें एक बारी टेस्ट करके। उदय एक बारी मॉकटेल्स, शेक्स की क्या क्या वैरायटी है दिखा दीजिए। इन्होंने बताया कि हर चीज़ आपको एक्सेलेंट मिलेगी, क्वालिटी बेस्ट है, इनकी टैगलाइन भी क्वालिटी के ऊपर है। तो मेरी आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कुणाल सिंह की शॉप में आए और यंगस्टर को मौका दें, ताकि इनका कुल्लड़ वाला पिज़्ज़ा, यही आपने बोला था, 100 रुपीज़ में टेस्ट करके ज़रूर बताएं। भैया आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम वीरू साहू है। ओके, और भैया क्या बनाने जा रहे हैं? ये अभी हमने बनाया चीज़ गार्लिक ब्रेड। अच्छा, और इसमें क्या स्टफिंग क्या रही है अभी तक? इसमें मैंने चीज़ डाली है। ठीक है, और इसमें मुजरेला डाला है मैंने। ओके, ओरिगानो डाला है इसमें मैंने। कितनी देर के लिए इसको गर्म करते हैं? 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगी हमारी ब्रेड। कुल्लड़ में वैसे चाय पीने का मज़ा अलग ही है दोस्तों। वैसे कुल्लड़ में अगर आप चाय पीते हो तो आपको अपनी धरती की मिट्टी चूमने का ये मौका मिलता है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक के ग्लास बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, उनको छोड़ के कुल्लड़ का आनंद लीजिए। ब्रेड BBC के ऊपर हमें कुल्लड़ के अंदर पहले चाय सर्व मिली है और मिस्टर कुणाल ने चाय टेस्ट करने के लिए कहा है। एक्सीलेंट चाय है, एक इलायची का अलग ही मज़ा आ रहा है। जितने भी यंगस्टर चाय पीने के शौकीन हैं, कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो कॉफ़ी छोड़ के एक बारी कुल्लड़ के अंदर चाय पी के देखिए, जो रस आएगा ना आपको मिट्टी का, वाकई लाजवाब। मतलब वैसे तो हम घर में पीते हैं। ये कौन सी मेयोनीज डाल रहे हो शेफ साहब? चिपोटले डाल दो जी। और ये जो पहले आपने डाली है वो कौन सी थी? मैंने ये तंदूरी ग्रिल डाली। शेफ साहब तैयार कर रहे हैं ग्रिल सैंडविचेस, है ना? ग्रिल तंदूरी सैंडविच, ग्रिल तंदूरी सैंडविचेस तैयार कर रहे हैं, तंदूरी पनीर सैंडविच। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, इन्होंने चिपोटले, मिंट सॉस और ये सारा मिक्स वेज, ये ऑलरेडी आपके पास तैयार रहती है?
चीनी तैयार करना पड़ता है। इसको मीजा हम पहले बना के रख लेते हैं ताकि मुझे बनाने में टाइम ज़्यादा टाइम न लग पाए। या पहले मॉर्निंग में सेमी प्रिपरेशन करके रखते हो? बस 20 मिनट पहले बनाते हैं ऑर्डर आने से पहले। ओके चल, ये मैं डाल रहा हूँ पनीर। अभी हम दोनों साइड बटर लगाएंगे। एक मिनट में बन के तैयार हमारी ग्रिल पनीर तंदूरी सैंडविच। बहुत बढ़िया। तो ये अब हमारे ग्रिल सैंडविचेस बन के बिल्कुल तैयार हो गए। जी सर। तो भैया ये एक उसमें दो पीसेस आते हैं या सिंगल आता है? एक उसमें चार पीसेस आते हैं। अच्छा, चार पीसेस आते हैं जी। ओके, मतलब आप एक को चार में कट कर देते हैं जी। और इस एक का प्राइस क्या रहता है? एक का प्राइस है ग्रिल पनीर तंदूरी सैंडविच का 100 रुपीज। ओके, तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं एक बॉक्स, इसका एक बॉक्स का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये भैया तैयार कर रहे हैं वर्जिन मजीटो, जो कि है 59 रुपीज़ का सिंगल ग्लास, और इसके अंदर इन्होंने डाला है सिरप, अरोड़ा लेमन और आइस। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, गर्मी का टाइम हो और ऐसी एक बढ़िया सी मॉकटेल मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को और कुछ चाहिए होगा। और काफ़ी रिफ्रेशिंग है और हमारे सामने बिल्कुल तैयार भी है ब्रेड बन एंड कंपनी में, वो भी कुणाल जी के द्वारा। तो अब कुणाल सिंह ने हमारे लिए ये दिया है सनसेट फ्राइज। टेस्ट करके बताते हैं आपको। जैसे इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो रखी है और सॉसेस कौन कौन सी? थाउजेंड आइलैंड है और लेवनी। ओके, चीज़ है, चीज़ लाइन। जबरदस्त स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा है। जितने भी बच्चे यंगस्टर मेयोनीज अलग अलग टाइप की सॉसेस पसंद करते हैं उनको तो वैसे ही मज़ा आ जाएगा देख के। कुणाल, इसका प्राइस क्या है? 99 रुपीज़ में ये इतनी क्वांटिटी मिलेगी? 99 रुपीज़ में ये फुल प्लेट है। ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि कुणाल ने पहले क्लियर कर दिया है क्वालिटी।